नमस्कार बच्चों, मैं नीतू गोयल आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुई हूँ चैप्टर 14 अह अ च। ये जो बच्चों तीन शब्द दिए गए हैं ये कष्टदायक शब्द हैं, पीड़ा सूचक शब्द। अह आ आ आ और चे और। यहाँ पे बच्चों एक इस चैप्टर में एक मालिक और एक नौकर के बारे में बताया गया है और उन दोनों के ऊपर यहाँ पे आपकी स्टोरी है। आइए पढ़ते हैं चतुर्दशः पाठः चैप्टर 14 अह आ च। अह आ और अह आ च और, ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पीड़ादायक कष्ट सूचक शब्द हैं। आइए पढ़ते हैं अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत। अजीज एक सीधे स्वभाव का और बहुत मेहनती लड़का था। सः स्वामिन एव सेवायां लीनः आसीत। वह हमेशा स्वामिनः अपने स्वामी की सेवा में व्यस्त रहता था, लगातार अपने स्वामी की मालिक की सेवा करता रहता था। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशम वाचन्ति। एकदा एक बार सः उसे किसी अजीज को घर जाने के लिए छुट्टी चाहिए थी, अवकाश चाहिए था। स्वामी चतुर आसीत और जो उसका स्वामी था वो बहुत तेज था, चतुर था, वो उसे छुट्टी नहीं देना चाहता था। सः चिंतित थी, उसने सोचा किसने स्वामी ने। अजीजः इव न कोऽपि अन्य कार्य कुशलः। अजीज के जैसा कोई भी कार्य करने में कुशल नहीं है कि अगर अजीज चला जाएगा तो काम कौन करेगा। एषः अवकाशस्य अपि वेतनं गरिष्यति। एषः इस प्रकार अवकाश के साथ साथ उसे वेतन भी चाहिएगा, यानी कि छुट्टी भी लेगा और छुट्टी के साथ साथ वो अपनी सैलरी भी मांगेगा। एवं चिंतयता स्वामी कथयति। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने स्वामी ने अजीज से कहा कि जब अजीज ने छुट्टी मांगी और यह सोचते हुए स्वामी ने कहा कि अहम तुभ्य अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वधर दास्यामि, कि मैं तुम्हें अवकाश के साथ साथ वेतन भी दूंगा और वेतन में बहुत सारा धन दूंगा। परम एतर्थ च वस्तुद्वयम् आनीय, लेकिन तुम्हें दो वस्तु लेके आनी पड़ेगी। आह आ चा इति, कि एक तो आ और एक अह, दो शब्द तुम्हें लेके आने पड़ेंगे। उसके बाद क्या करूँगा, मैं तुम्हें छुट्टी भी दूंगा और छुट्टी के साथ साथ आपको पैसे भी दूंगा बहुत सारे। क्यों कहा बच्चों वो दो शब्द लाने के लिए, क्योंकि वो कठिन थे, वो नहीं ला सकते थे और वो नहीं लाएंगे तो उसे छुट्टी भी नहीं मिलेगी। किसे, अजीज को, क्योंकि मालिक जो है अजीज को छुट्टी नहीं देना चाहता था क्योंकि वो बहुत मेहनती था और उसके जैसा कोई भी नौकर मिलना बहुत मुश्किल था। एतद् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। एतद् ऐसा श्रुत्वा सुनकर जो अजीज था वो दो वस्तु को लेने निकल पड़ा। कौन कौन सी, अह और आ। सा इतः सतः भ्रमंती, वह इधर उधर घूमा। जनान पृच्छति, मनुष्यों से पूछा। आकाशम पश्यति, आकाश को देखा। धरा प्रार्थयति, धरती से प्रार्थना की। परम सफलता नैव प्राप्तनोति, लेकिन उसे क्या हुआ, सफलता नहीं मिली, यानी कि वो दो शब्द नहीं मिले। कौन कौन से, आहा और आ। चिंतयति परिश्रमस्य धनं च नैव प्राप्स्यसि, चिंता करता रहा, सोचता रहा, परिश्रम करता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, कहीं उसे किसी स्थान पे उसे एक वृद्धा बूढ़ी औरत मिलती है। सा ताम सर्वा व्यथाम श्रावयति, सा वहा, कौन, अजीज, ताम किसे, ताम उस बूढ़ी औरत को जो मिली थी, सर्वथा सारी व्यथा अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। सा विचारयति, उसने सोचा स्वामी अजीज आए धनम दातु न इच्छति। बुढ़िया माँ ने सोचा कि वो जो स्वामी है अजीज का, वो अजीज को धन नहीं देना चाहता है। सा त्वम कथयति, तो उसने कहा अहम तुभ्य वस्तुद्वयम् ददामि, मैं तुम्हें दो वस्तु दूंगी।
पर दयम एम बहुमूल्य के वर्तते, लेकिन ये दोनों बहुत बहुमूल्य हैं। प्रसन्न सह स्वामिन समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर वह स्वामी के समीप आ गया। ठीक है, किसने कहा? उस बुढ़िया ने कहा, मैं तुम्हें वे दो दो वस्तु देंगी। वो ये देख के वो खुश हो गया और वो उन्हें लेकर किसके पास आया? स्वामी के पास। कौन? अजीज। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकित भवति, अजीज को देखकर स्वामी चौंक गया। स्वामी शैने शैने पेटिकाम उद घाटयति, स्वामी ने वो दो पेटिका ले रहा था। दो पेटिका होती हैं बच्चों, दो एक तरह से पोटली सी बनी हुई थी, है ना, बक्से से थे, वो ले रहा था। और स्वामी ने उन्हें धीरे धीरे खोलना शुरू किया। पेटिकाम लघु पात्र द्वयम् आसीत्, जो वो पोटली थी उसकी या जो पेटिका थी, दो उसके अंदर दो छोटे छोटे बर्तन थे। प्रथम से एक लघु पात्र उदाहरती, तो उसमें दो बर्तन थे, तो उसने सबसे पहले एक खोला। किसने? स्वामी ने। किसके? अजीज के। सहा ऐसा मधुमक्षिता निर्गच्छति, सहा सहा अचानक क्या हुआ, एक मधुमक्खी निकली। तस्य से हस्त दशति, और तस्य उसने, किसने? मधुमक्खी ने। तस्य तो उस मधुमक्खी ने उसके हस्तम हाथ पर डस लिया, डंक मारा। स्वामी उच्चे, स्वामी जोर से बोला, वदति आ आह आ, ऐसे बोला स्वामी, जोर से बोला आ। द्वितीय लघु पात्रम उद्घाटयति, दूसरा जब उसने बर्तन खोला, एक अन्य मक्षिति निर्गच्छति, एक और मक्खी निकली। सा ललाटे दशति, उसने उसके ललाट होता है बच्चों मस्तिष्क, माथे पे काट लिया। पीड़िता चे ये अति उच्चत चीत करोति, पीड़ित तो वो पहले से ही था, हाथ पे काठी भी थी, वो फिर जोर से चिल्लाया आ इति। ऐसे क्या हुआ बच्चों? दोनों शब्द उसने उसे लाकर दे दिए। और अजीज सफल आसीत, अजीज सफल था हो गया। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्ण धनम ददाति, स्वामी ने उसे अवकाश के साथ साथ वेतन वेतन के साथ उसे बहुत सारा धन दिया, है ना। यहाँ पे चतुराई से काम हुआ। इस तरह बच्चों ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, और इसमें सबसे पहले आप शब्द अर्थ करेंगे, उसके बाद फिर बुक वर्क और नोटबुक वर्क करेंगे। धन्यवाद।